जिसने नहीं देखा आज की महफिल का सदका रब दिखा दे। उसके नीचे जो हुजरा आयशा है, उस हुजरे के अंदर जो सरकार की कब्र है, कहते हैं उस कब्र की मट्टी पूरी जमीन से अफजल है। कब्र की मट्टी पूरी जमीन से अफजल है, कहते हैं वो मट्टी इतनी अफजल है कि काबे से भी अफजल। कब्र की मट्टी काबे से भी अफजल है, कहते हैं पहले आसमान से भी अफजल है, दूसरे से भी अफजल है, तीसरे से भी अफजल है। इमाम कसरानी टाइम थोड़ा है, कोई हद बयान करो। अरे सब तो उत्ते रब दा अरश है, ये मट्टी अरशे मुअल्ला नालो भी अफजल है। समझ आ गई? मट्टी अरशे मुअल्ला नालो भी अफजल है। इमाम कसरानी आती दी जमीन ते भी जो मट्टी है ना, वो कब्र ते भी जो मट्टी है ना, वो रब दे अरश नालो अफजल क्यों? जिंदा बंदा बोले जरा। इमाम कसरानी आदे ना, कब्र दी मट्टी है दिन रात जिस मेरे रसूल ने चूमती है, दिन रात जिस मेरे रसूल को चूमती है, जिस मेरे रसूल को सूंघती है, अरश आजम से भी अफजल है। मैं देखता हूँ कौन बंदा नारा मार रहा है, कौन जुबान लगा रहा है। मैंने कहा जो रसूल को चूमे वो तो अरश आजम से भी अफजल, तो जिस हुसैन को रसूल चूमे। जो रसूल को चूमे आरश से भी अफजल है, तो जिस हुसैन को रसूल चूमे, कभी कंधों पे बिठा के चूमे, कभी सीने से लगा के चूमे, वो ठीक है यार, ठीक है। हुसैन सैयदा ज़हरा का पुत्र है। ज़हरा कौन? पर मैं फातिमा बिना तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ओ लोगों, जमीन के टुकड़े नु मुस्तफा ना निस्बत हो जाए, अरश आदम तो भी अफजल है। ते मैं जिक्र छेड़ के जमीन के टुकड़े तो नहीं बैठा, मैं ते मुस्तफा दे जिगर के टुकड़े का जिक्र कर रहा। समझ आ रही है? ओए उंदी पे ये बैठे हो, बोलो फिर सुभान अल्लाह। थोड़ा या मुस्कुरा के बोलो ना, ही लगता नाराज नाराज हो कोई पेच बंदे बैठे की हो गया। अल्लाह दे बंदे आखो सुभान अल्लाह। मौलवी तुसी अगे भी वेंदे रहंदे हो कि पहली बारी वेखिया नहीं, एडे परेशान क्यों हो? मां पर ना सुभान अल्लाह, एडी वड्डी शान कि जो रसूल को चूमे अर्श आजम से भी अफजल है, जिसे हुजूर बार बार चूमे। कितनी बड़ी अजमत और कितनी बड़ी शान होगी, कितनी बड़ी उनकी शान का आलम होगा। आगे सुनो, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, एक दिन मौला अली शेर खुदा से हुज़ूर ने फरमाया, अली तू और मैं, ज़हरा, हसन, हुसैन, हम पांचों एक ही जान है, पंजे असी एक ही जान है। मन अहब्बा ना, जेड़ा साढ़े नाल करेगा प्यार तो बोल के करेगा ना, जेड़ा साढ़े नाल करेगा प्यार तो फरमाई जो मल कियामत है, या कुलू व यशराबू की मतलब, फरमा कियामत का दिन होएगा वो खावेगा भी तो पिएगा भी। नहीं नहीं समझ नहीं आई थोड़ा, मैं क्या नहीं आई मैं पता है। आज ना महफल करवाई है, लंगर तो पकाया उन्हें, पकाया की पकाया जे बिरयानी पक्की सुबह अल्लाह त्याग चढ़ो। कोई बंदा सवेरे नैब का आ जाए, भाई बड़ी महफल करवाई राती, बड़ा लंगर पकाया जाए, इतनी हर शे महंगी कर छी तू थी लंगर पकानो फिर बात नहीं आए। थोड़ा रबता किसी एजेंसी नाल तो नहीं, किसी इदारे नाल धन एड किलो आउंदी तो नहीं किसी मुल्क विचो? जे मुस्कुरा के आखण गए साडा रबता है ना, क्यों नहीं? वो है रबता, वो आखने दसो जल्दी करो कड़ी एजेंसी नाल है, ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਖ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਖੈਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਤੋ ਨਿਮਤੇ ਜਿਨ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ उन्हीं का ही तो जिक्र सुना रहे हैं। सरकार
ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸਵਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਯਾ ਕੁਲੂ ਵਾ ਯਸ਼ਰਾਬੂ ਹੋਏ 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 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜਾਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦ ਬੜੀ ਏ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਯਾ ਕੁਲੂ ਵਾ ਯਸ਼ਰਾਬੂ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨਫਸੀ ਨਫਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲਰਨ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਦੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਦੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਆਓ ਬਈ ਗੁਲਾਮੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਹਦੀਸ ਦੱਸ ਲਈਏ ਬਈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਣ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾ ਆਈ ਆਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਬਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਆਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਗੇ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੂਰ ਆਖੋ ਮੇ ਤੋ ਚਿਹਰੋ ਪੇ ਉਜਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਓਏ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੋ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਤੀ ਹੈ ਯਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨਕੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਪੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਬੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੰਜੀਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨੀ ਨਬੀ ਦੀ ਆਦ ਦੇ ਸਿਆਦਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਐ ਕੌਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਐ ਕੌਣ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਐ ਕੌਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਛੱਡੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਾਤ ਬਦਲੀ ਜ਼ਬੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਬਦਲੀ ਅੰਜੀਲ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਬਦਲੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੀ ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹੁਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕੁਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਫਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਜਨਾਬੇ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਆਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਤਨੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰਗਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਸਖੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਏ ਅਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਦੇ ਆ ਫਿਰਨਾ ਲੈ ਵੇਖੋ ਸੁਣੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਛਤਾਣ ਹੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਬਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਾਰਕਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਜ਼ੀਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚੁੱਪ
फरमाया मेरे ते मेरे भाई हसन दे बारे इमाम अल-अंबिया किबला नाना जी ने फरमाया थी अंतुमा सैयदा शबाब अहले जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना। फरमाया मेरे ते मेरे भाई हसन दे बारे सरकार ने फरमाया थी तुसी दोवें जन्नती जवाना दे सरदार भी हो ते सुनिया दी अखां दी ठंडक भी हो। हुण इक नारा नहीं बनता अख दी ठंडक दिल दा चैन। हुसैन आप आदर मैं तुहाड़ियां अखां दी ठंडक ते फिर भी नहीं बोलते पे। हवाले दा जिम्मेदार मैं हां, सुभान अल्लाह दा जिम्मेदार तुसी हो। जनाब तुहानू बोलना पैणा अख तेरा सुभान अल्लाह। हाय हाय, सामने फौज खड़ी होवे तलवारां सामने होण ते हुसैन आखे मैं तो सुनिया दा। ओए होए दा लुत्फ ते लो जरा, तुसी पखियां थल्ले बह के हुसैन दा नाम बड़ा औखा बह लैंदे हो। ओते तलवारां दे साए थल्ले वी आदा अज शहीद करके ते बाद में दुनिया रोएगी ते पिटेगी के हुसैन साडे। तुसी यकीन कर लिया जे हाय हाय करन वाले दा हुसैन नहीं, वाह वाह करन वाले दा हुसैन है। हाय अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। कितने करीम है वहां जाके भी गुलामों को नहीं भूले। मैं सुनी अदी अखां दी ठंडक, वाह हुसैन सदके जाइए तेरा नाम लेइए तो वाकई ठंड पै जाती। सानू तो ठंड पै जाती तो मुनकरन ठंड पै जाती। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। चलो जी बच्चों का जिक्र हो गया साहबजादियों का, हुण थोड़ा जिहा अब्बा जी का जिक्र करिए। हुसैन दे अब्बा जी का जिक्र करिए ना, जिन्हां दे सदके साडे अब्बा जी नूं इज्जत मिली है। हुसैन दे अब्बा जी का जिक्र करिए। सरकार जा रहा है मक्के तो मदीने हिजरत करके, फरमाया अली है मेरी चादर लै उत्ते लैके सोया मेरे बिस्तर ते, सुबह उठी ते आ जाई मदीने। अल्लाह ताला ने हजरत जबरील ते मीकाईल नूं वही फरमाई। की फरमाई? वही अन्नी या खैतु बैनकुमा। जबरील ते मीकाईल मैं तुहानू दोवां नूं बना छड्डे भाई भाई। वजाल तू उमरा अहदी अत वाला मिन उमर आखर, तुहाडे विचों एक दी उम्र लंबी कर छड्डी एक दी थोड़ी छोटी है। भाई भाई बनाया मशवरा करके दसो लंबी उम्र जबरील लैनी या मीकाईल लैनी। समझ आ रही है? भाई भाई बनाया मशवरा करके दसो जबरील तू उम्र लंबी लेगा या मीकाईल तू। हजरत जबरील आखदे इंशाअल्लाह मैं ते मीकाईल आखदे मैं। दोवें आखिया उम्र लंबी सानू चाहिए। सुनया जरा रब तआला फरमांदा अफला कुंतुमा मिसला अली इब्न अबी तालिब। दोवें उम्र लंबी मंगी है ते अली दी पैरवरी किन्ने करनी सी। ओए होए होए होए, पता नहीं केड़ी कौम चो खिताब कर रहे हो। दोवें उम्र लंबी मंगी ते अली दी पैरवरी क्यों नहीं की थी? या अल्लाह अली ने की कीता है? फरमाया आखिर तू बहन हुआ बहन नबी की मुहम्मद अली ने मैं भाई बनाया अपने हबीब का। बाबा ताला फिराश ही आज जाके मक्के की सरजमीन ते देखो जमा पासिया ते काफरा ने घेरा पाए है। अली मुहम्मद रसूलल्लाह के बिस्तर ते सुता पे है। अली ये नहीं आखिया सुनिया आज मक्के कलियां छाड़ के चलने आपसे पास से काफर खड़े अली दी जान में खतरा है। अली आखिया सुनिया तू जा या फदी भी नफ से ही जाके देखो जबरील अली ने ते अपनी जान मोहम्मद तो कुर्बान कर। नारा तकबीर, अपनी जान कुर्बान कर छड़ी, कोई परवाह नहीं की थी कि सुनिया मैनू इतने छड़ चले हो। पीछे दे अबू जाल भी है, पीछे दे उतबा शहबा भी, पीछे दे अबू लाब भी है, एडे एडे वड्डे काफर। फरमाया अली आदे ने अर्ज करने सुनिया तुसी जाओ, अली जाने अली दा खुदा जाने। फरमाया अली तरह नहीं कीता। या अल्लाह हुण की हुक्म है? फरमाया हबिता इला लार्द, दोवें जमीन ते उतर जाओ। या अल्लाह मक्के मदीने बदर वेच तैफ वेच। फरमाया नहीं, जिथे अली सुते है उत्थे ही उतर जाओ, उत्थे ही जिथे अली सुते है। या अल्लाह उतर जाने तेरा हुक्म है, करना की जाके अली नू उठाने
फरमाया नहीं, अलीन जगाने फरमाया नहीं, अजीज से जुमले सुन जरा ते लुत्फ नहीं, तो मैं फाफदा हो मैं नदुवे ही अली ते अपने आप नु कुर्बान करके सुता पिया ते इर्द गिर्द काफरां दे डेरा पाए फाफदा हो मैं नदुवे ही दोवे जाके अली दी पहरेदारी करो। अली दी पहरेदारी करो। फनाजला दोवे उतरे फकान जबरील ओ इन दरा से अली जबरील सेरा वाले पासे वकान मीकाइल इन दरिजले ही मीकाइल कदम वाले पासे तो जबरील सेरा वाले पासे खड़े होके बोल पे सुभान अल्लाह खो के दसंगा की बोले लुत्फ ना आया तो जनाब दाद अपनी वापस ले लिया। मैं ना जुमले कोई दुआडे विच आके इत्थे बोले मिंबर ते सामने बह के मैं दाद दे के दसंगा इस जुमले ते किवें बोलना है। जबरील सेरा वाले पासे खड़े होके पता की आदन बखेन 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 तर्जमा करता पढ़ो अरबी दी चासल है बखेन बखेन मग मिसलू का या बना भी तालब की मतलब बल्ले भाई बल्ले अली सेरा ने पास खड़े बखेन बखेन मग मिसलू का या बना भी तालब वाह भाई वाह अली सदके बल्ले भाई बल्ले अबू तालब जी अबू तरह कमाल का छड़ी गया वाह भाई वाह अली बल्ले भाई बल्ले अली की होया जबरील आदम तुसी इत्थे सुत्ते पे हो तुहाडी जात ते रब फरिश्तियां विच फखर फरमा रहा है अल्लाह फखर फरमा रहा है कि आज मेरे अली ने मुस्तफा पे जान कुर्बान कर दी। बखेन बखेन और चास्ते लवो न जुमले दी बखेन बखेन की मतलब बल्ले भाई बल्ले वाह भाई वाह। अच्छा सरकार ते जा रहा है मदीने शरीफ ते जबरील आए मौला अली कोल ते पढ़ रहा मैं हदीस सरकार नु किन्ने दस्या भाई पीछे जबरील आए हैं तवज्जो है अल्लाह ताला ने वही फरमाई मीकाइल नो वही फरमाई जबरील नो जबरील सिदरातुल मुंतहा ते मीकाइल भी सिदरातुल मुंतहा ते तेरी उम्र भी लंबी कर छटी है तेरी भी लंबी कर छटी है मशवरा करके दसो तू ज्यादा उम्र लड़ी या तू लड़ी ते सरकार जा रहा है मदीने वो सोना मदीने जा रहा होले ते सिदरातुल मुंतहा तो जबरील दिया गल्ला सुन लेंदे ते मदीने दे चोंदिया आती गल्ला दी सुभान अल्लाह क्यों नहीं सुनन गे सुभान अल्लाह हाय हाय। जदों जबरील आके मक्के आखे बखिन बखिन सरकार सुन लिया है तो जबरील की सुन्नत तो तुसी अमल कर रहे हो वाह अली वाह अली वाह अली तो की ख्याल है सरकार नहीं सुन रहे फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं के खैरुल बशर को खबर ना हो। आए हाय हाय एड्डी वड्डी शान एड्डा वड्डा बयान एक दिन मस्जिद नबवी में महफिल हो रही हिदायत के सितारे सहाबा बैठे मदीने का चांद भी तलू है ते दरवाजे ते मौला अली आ गए ओए होए ओ यार अली आ गए ओए अली आ गए ते मेरे हुजूर ने सहाबा दे चेहरे अल वेख्या केड़ा जेड़ा मेरे अली वास्ते जगह बनाएगा बैठन दी जगह नहीं सी सरकार बैठे नाल हजरत यारे घर बैठे इधर मुरादे सरकार बैठे हजरत उमर ते हजरत सदीक ते मेरे आका ने सहाबा दे चेहरे अल वेख्या केड़ा मेरे अली वास्ते जगह बनाएगा ते हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए। आज भी सब तो पहले ही उठे है जेड़ा हमेशा पहले उठता हुंदा है। अच्छा लुत्फ नहीं जरा उठ के खड़े हो गए अपने और हुजूर के दरमियान जगह बना के आदन हा हुना या अबल हसन हा हुना या अबल हसन हा हुना या अबल हसन सुभान अल्लाह में तर्जमा करा हा हुना या अबल हसन हजरत यारगार उठ के आदन ए हसन दे अब्बा जी इत्थे आओ ना इत्थे यहाँ जाओ। अच्छा बैठे हुए कहाँ थे सरकार के साथ अल्लाह के बंदे हो आज तो कोई बंदा गड्डी दी फ्रंट सीट पे बैठा हुए ना और नखिए पीछे आ जा दादा नहीं इंसल्ट होती है नहीं तो गर्मी का मौसम हो सकता पीछे तो ए सी कूलिंग ही नहीं करता मैं फ्रंट से बनाऊंगा ओए गड्डियाँ आरजी चलाने वाले आरजी रहने वाले आरजी जेड़ा बैठा नबियों के इमाम के नाल होवे ते अपनी जगह छड़ के आके इत्थे आ ली। हाय हाय नहीं लुत्फ लिया तुसी
अबू बकर दा कीता है मोहब्बत ये आंदी है अगर जो उत्थे भी ते सारे हिदायत दे सितारे बैठे बड़े बड़े प्यारे बैठे बड़िया आत्मतार हैं पर अबू बकर दे ना मेरा कीता है अली उत्थे बैठा ते सोना नहीं लगदा इत्थे सरकार दे नाल आ जदों हजरत अबू बकर ये आखे ना सरकार मुस्कुरा पै अबू बकर दी मोहब्बत वेख के मुस्कुराए अरे या अबा बकर इन्नमा यारिफ अल फदला लियहल अल फदले ज़बुल फदले अबू बकर फिर फजीलत आले दी फजीलत नु फजीलत आले ही समझदा सुभान अल्लाह हाय हाय हजरत अमीर मुआविया सरकार